नमस्कार, खबरां दे बुलेटिन विच तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ कुसुम सोनिया। पहला एक नज़र चोणवीआं खबरां ते। केंद्र सरकार ने बर्ड फ्लू के मद्देनज़र सूबा सरकारां वल्लों कीते गए उपावां की निगरानी लई नवीं दिल्ली विच एक कंट्रोल सैल स्थापित किया। केंद्र वल्लों देश भर विच अगले हफ्ते तो कोविड-19 टीकाकरण शुरू करन दीआं तैयारियां तेज़। भारत में कोविड-19 कारण रोजाना आधार पर होने वाली मौतों में गिरावट लगातार जारी। देश में कोविड-19 तो ठीक होने की दर 96.36% तक पहुंची। हुण तक कोरोना तो मुक्त होने वाले लोगों की कुल संख्या 1 करोड़ के नेड़े पहुंची। उड़ीसा के राउरकेला स्टील प्लांट के कोला कैमिकल यूनिट में अज सवेरे गैस लीक होने कारण 4 व्यक्तियों की मौत। मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश ने केंद्रीय वित्त मंत्रालय वालों निर्धारित नागरिकों नाल संबंधित 4 में से 3 सुधार पूरे किए। इंडिगो एयरलाइन ने 5 जनवरी तो अमृतसर और पुणे विचाले रोजाना उड़ाना शुरू कीतियां। पंजाब सरकार वालों भड़क तो सूबे में सारे ही सरकारी अर्ध सरकारी प्राइवेट स्कूलों में 5वीं से 12वीं लई स्कूल खोलण का फैसला। स्कूल खोलण का समा सवेरे 10 बजे तो बाद दोपहर 3 बजे तक होगा। मुख्यमंत्री ने तीक्ष्ण सूद के घर के बाहर ट्राली भर के गोहा सुट्टण वाले प्रदर्शनकारियों विरुद्ध दर्ज हत्या की कोशिश का मामला वापस लिया। मामला दर्ज करने वाले SHO की की बदली। भारत ते आस्ट्रेलिया विचाले मौजूदा टैसट लड़ी का तीजा मैच भलके सिडनी विच शुरू होगा। हुण खबरां दा विस्थार। केंद्र सरकार ने देश के कुछ सूबों में बर्ड फ्लू के मद्देनज़र सूबा सरकारों वालों किए गए उपावों की निगरानी लिए नवी दिल्ली में एक कंट्रोल सैल स्थापित किया है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और केरल दीआं 12 वख-वख थावां ते बर्ड फ्लू फैलण की खबर है। केंद्र सरकार के पशु पालन और डेयरी विभाग ने प्रभावित सूबों नूं सुझाव दिता है कि वह इस बीमारी नूं फैलण तों रोकण लई कारज योजना तैयार करन। उन्हां नूं इह वी कहा गया है कि बर्ड फ्लू की पुष्टि लई नमूनियां की जांच की जाए अते इस उत्ते निगरानी रखी जाए। केंद्र ने सूबियां नूं इस बारे वन विभाग नाल संपर्क स्थापित करन दी हदायत दित्ती है। सूबियां नूं पूरी चौकसी वरतण अते जरूरी उपाय करन तों बाद इस दी रिपोर्ट केंद्र नूं पेश करनी होवेगी। भारत सरकार ने स्पष्ट किया है कि बर्ड फ्लू दे इंसानां विच फैलण दी अजे कोई सूचना नहीं मिली है। इस दौरान भारत सरकार दे सेहत मंत्रालय वालों केरल अते हरियाणा विच बर्ड फ्लू दी स्थिति दा जायजा लैण लई बहु विभागी टीमां तैनात कीतियां गईआं ने। केंद्र ने देश भर में अगले हफ्ते तो कोविड-19 टीकाकरण शुरू करन दीआं तैयारियां तेज़ कर दित्तियां ने। सरकार ने कहा है कि कोविड वैक्सीन लई अगाऊं अभ्यास तो मिली फीडबैक के आधार पर सरकार इस दी एमरजेंसी वरतों की इजाजत की तरीक के 10 दिनों अंदर वैक्सीन उपलब्ध कराने लई तैयार है। केंद्रीय सेहत सकत्तर राजेश भूषण ने कहा कि टीकाकरण बारे अंतिम फैसला सरकार करेगी। सेहत सकत्तर ने कहा कि भारत में किसी भी टीकाकरण प्रोग्राम लई दवाइया के निर्माताओं ने पहलों देश भर के 4 मुढ़ले वैक्सीन भंडारा लई टीके उपलब्ध करवाए ने, जिथों वड्डी संख्या में इन्हां टीकों 37 सूबों के टीका स्टोरों से जिलों से फिर अंत में जनतक सेहत केंद्रों में पहुँचाया गया। राजेश भूषण ने कहा कि करनाल, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में 4 मुढ़ले वैक्सीन स्टोर यानी सरकारी मैडिकल स्टोर स्थित GMSD और देश में 37 वैक्सीन स्टोर ने जो थोक विच टीकियां दा भंडारण करदे ने अते अग्गे इन्हां दी वंड कीती जांदी है। वैक्सीन बारे ICMR दे डायरैक्टर जनरल प्रोफेसर बलराम भार्गव ने कहा कि भारतीय अध्ययन अनुसार 18 साल तो वध उम्र वर्ग के 1600 लोगों विच इम्यूनोजेनेसिटी डेटा बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हुण तक दे विश्लेषण मुताबिक कोविशील्ड सुरक्षित वैक्सीन है। नीति आयोग दे मैंबर डॉक्टर VK पाल ने कहा कि कोरोना लाग दे मौजूदा मामलों अते कोरोना कारण हो रही मौतों के अंकड़ों विच कमी नूं वेखदिआं देश विच आशावादी तस्वीर सामने आ रही है। भारत विच कोविड-19 कारण रोजाना आधार ते होण वालीआं मौतां विच गिरावट लगातार जारी है। केंद्रीय सेहत मंत्रालय अनुसार पिछले 12 दिनों तो रोजाना कोविड नाल होण वालीआं मौतां दी गिणती 300 तो हेठां दर्ज कीती जा रही है। बीते दिन कोरोना महामारी ने 264 लोगों दीआं जानां लईआं, जिस मगरों हुण तक कोरोना कारण मरण वालों की कुल गिणती 1,59,114 तक पहुँच गई है। देश में पिछले 7 दिनों में 10 लाख के पिछे 1 मौत दर्ज की गई जा रही है। केंद्र सरकार अनुसार कोरोना कारण मौतों की गिणती में गिरावट कोविड प्रबंध और कोरोना कंट्रोल करने संबंधी केंद्र सरकार की प्रभावशाली नीति का नतीजा है।
इस तों इलावा देश विच एक्टिव करोना मामलों की संख्या में कमी भी एक होर वड्डी प्राप्ति है। इस समय देश भर में करोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 2,27,546 है, जो हुण तक के कुल करोना की पुष्टि वाले मामलों का 2.2% बनता है। रोजाना करोना तो ठीक होने वालों की संख्या में वाधे नाल एक्टिव केसों में कमी आई है। सरकारी अंकड़ों अनुसार बीते दिन 21,314 व्यक्ति करोना तो सेहतयाब होए, जिस मगरों एक्टिव केसों में 3,490 केसों की कमी दर्ज हुई। पिछले कुछ दिनों दौरान रोजाना आधार पर करोना के ताज़ा मामलों की संख्या 20,000 तो हेठां दर्ज हो रही है। बीते 24 घंटे दौरान देश में 18,088 नवे करोना मामले सामने आए। देश में हुण तक करोना तो मुक्त होने वाले लोगों की कुल संख्या 1 करोड़ के नेड़े पहुँच गई है। करोना तो सेहतयाब होने की दर में होर सुधार होया है, जो 96.36% तक पहुँच गई है। ओडिशा के राउरकेला स्टील प्लांट के कोला कैमिकल यूनिट में अज सवेरे गैस लीक होने कारण 4 व्यक्तियों की मौत हो गई और 6 होर लोगों की सेहत खराब होने करके उन्होंने हस्पताल दाखिल करवाना पिया। राउरकेला तो मिली रिपोर्टों अनुसार कैमिकल प्लांट में काम करते 10 मुलाजम जहरीली गैस चढ़न कारण बीमार हो गए। पहला इन मुलाजमान राउरकेला प्लांट स्थित डिस्पेंसरी में दाखिल करवाया गया, पर बाद में 4 गंभीर व्यक्तियों की सेहत बिगड़न तो बाद उन्होंने इस्पात जनरल हस्पताल तब्दील किया गया, जिन्हों में 2 मुलाजमान हस्पताल वालों मृत ऐलान दिया गया, जबकि 2 होर इलाज दौरान दम तोड़ गए। स्टील प्लांट के हस्पताल में दाखिल करवाए गए होर 6 मुलाजमान मुढ़ले इलाज तो बाद छुट्टी दे दी गई। मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश ने केंद्रीय वित्त मंत्रालय वालों निर्धारित नागरिकों नाल संबंधित 4 में से 3 सुधार पूरे कर लए ने। इस नाल ही ये दोवें सूबे इस तरह के सुधार करने वाले सूबों के पहले समूह में शामिल हो गए हैं। इन दोवें सूबों ने एक राष्ट्र एक राशन कार्ड कारोबार में सुखालापन और शहरी स्थानक सरकारां संबंधी सुधार पूरे किए ने। इन 3 खेत्रों में सुधार मुकम्मल करन तो बाद केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने इन सूबों को पूंजी खर्च लई विशेष सहायता संबंधी नवी योजना तहत 10 अरब करोड़ रुपए तो ज़्यादा की वाधू आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाने का फैसला किया है। इस विच आंध्र प्रदेश को 3 अरब 44 करोड़ और मध्य प्रदेश को 6 अरब 60 करोड़ रुपए मिलने। केंद्र सरकार ने आत्मनिर्भर भारत मुहिम तहत विशेष पैकेज के रूप में पिछले वरे अक्तूबर में विशेष सहायता योजना का ऐलान किया। माली सहायता सुधार के उद्देश तो इलावा कर्ज लैण लई इन्हां दोवें सूबों जारी की गई 1,46,94 करोड़ रुपए की राशि की मंजूरी तो इलावा है। पूंजी खर्च लई विशेष सहायता योजना का उद्देश कोविड महामारी कारण टैक्स मालिया की कमी नाल जूझ रहे सूबों के पूंजी खर्च को वधाउणा है। इस योजना तहत वित्त मंत्रालय ने हुण तक 27 सूबों के 98,80 करोड़ रुपए के पूंजी खर्च प्रस्तावों मंजूरी दिती है। योजना तहत पहली किश्त के रूप में 49,40 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। इंडिगो एयरलाइन वालों 5 जनवरी तो अमृतसर और पुणे विचाले रोज़ाना उड़ाना शुरू कर दी गई ने। इन उड़ाणा लई बुकिंग सरद रुत खत्म होने यानी 27 मार्च तक उपलब्ध है। इंडिगो उड़ान 6E286 अमृतसर तो बाद दोपहर 3:45 से शुरू होकर पुणे 7:35 से पहुँचती है, जिस विच इस उड़ाण के दिल्ली रुकण के 45 मिनट भी शामिल ने। वापसी तो पुणे तो सवेरे 10:10 से अमृतसर लई रवाना होंदी है। दिल्ली 1 घंटा 10 मिनट रुकण तो बाद अपने अमृतसर टिकाने 2:50 से पहुँचती है। इस तरह अमृतसर तो पुणे लई यात्री 3 घंटे 50 मिनट, जबकि पुणे तो अमृतसर तक यात्री 4 घंटे 40 मिनट अपने टिकाने पर पहुँच सकते हैं। मुसाफरों को उड़ाणा के दिल्ली रुकण समय जहाज़ बदलने की लोड़ नहीं। अमृतसर तो पुणे लई इस नवी उड़ाण नाल दोवें शहरों विचाले हवाई सफर सुखाला होया है, जिस नाल पुणे विच खास करके IT विच काम करते पेशेवरों को खास सहूलत मिली है। पुणे भारत में दूजा सब तो वड्डा IT हब मन्या जाता है। इस तो इलावा महाराष्ट्र के दूजे सब तो वड्डे शहर पुणे तो वड्डी गिणती में सैलानी अमृतसर लई हवाई सफर कर सकते हैं, जिथे वह श्री हरिमंदर साहब के दर्शनों तो इलावा होर महत्वपूर्ण थावां ते भी जा सकते हैं। दिल्ली और मुंबई तो इलावा अमृतसर शहर कोलकाता बेंगलुरु पटना नंदेड़ और श्रीनगर नाल भी हवाई रस्ते जुड़िया है। पंजाब विच भलके तो 5वीं तो लैके 12वीं तक दीआं क्लासां लई स्कूल खोले जा रहे हैं। पंजाब दे स्कूल सिक्ख्या मंत्री विजेंद्र सिंगला ने अज दस्सिया कि मापिआं वल्लों लगातार कीते जा रहे मंग दे मद्देनज़र सूबा सरकारां ने भलके तो सारे ही सरकारी अते प्राइवेट स्कूल खोलण दा फैसला कीता है। एक सरकारी प्रैस रिलीज़ अनुसार स्कूलों का समा सवेरे 10 बजे तो बाद दोपहर 3 बजे तक होवेगा।
ਅਤੇ ਸਿਰਫ 5ਵੀਂ ਤੇ 12ਵੀਂ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੀ ਸਕੂਲ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕਲਾਸਾਂ ਲਗਾ ਸਕਣਗੇ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਲਈ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੇ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੋਹਾ ਸੁੱਟਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈ ਗਈ ਧਾਰਾ 307 ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 307 ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ SHO ਦੀ ਬਦਲੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ SHO ਨੇ ਧਾਰਾ 307 ਲਗਾ ਕੇ ਵਧੀਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਤੀਕਸ਼ਣ ਸੂਦ ਦੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਸਥਿਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਟਰਾਲੀ ਵਿੱਚ ਗੋਹਾ ਭਰ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸੰਗੀਤ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਸ਼੍ਰੀ ਬਰਾੜ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਂਗਵਾਦ ਅਤੇ ਬੰਦੂਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਛਪੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰੀ ਭਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਾਰਤ ਭਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਰ ਹੀ ਰੰਗਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਛਾਪ ਦਿੱਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਉੱਪਰ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਬੁਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਲਾਸ 4 ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 6ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਟਕਾਏ ਜਾਣ, ਆਊਟਸੋਰਸ ਅਤੇ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਅਤੇ ਸਕੀਮ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੇਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ SDM ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਕ੍ਰਿਕਟ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਟੂਰ 'ਤੇ ਗਈ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਮੌਜੂਦਾ ਲੜੀ ਦਾ ਤੀਜਾ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਖੇਡੇਗੀ। ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਮੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਵਜੋਂ ਖੇਡਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਨਵਦੀਪ ਸੈਣੀ ਆਪਣੇ ਟੈਸਟ ਕਰੀਅਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਚ ਖੇਡੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਭਲਕੇ ਸਿਡਨੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਮੈਚ ਲਈ 12 ਮੈਂਬਰੀ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਮਯੰਕ ਅਗਰਵਾਲ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਟੈਸਟ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਮਯੰਕ ਅਗਰਵਾਲ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਵਦੀਪ ਸੈਣੀ ਉਮੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗਾ। ਉਮੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਦੇ ਬਾਕਸਿੰਗ ਡੇ ਟੈਸਟ ਦੌਰਾਨ ਦੂਜੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ। BCCI ਅਨੁਸਾਰ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਦੇ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਉਮੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਦੇ ਛੇਤੀ ਸਿਹਤਯਾਬ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸਦਕਾ ਉਸਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਦੋ ਮੈਚਾਂ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਸਿਡਨੀ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਵਿੱਚ 4 ਅਸ਼ਵਿਨ ਅਤੇ ਰਵਿੰਦਰ ਜਡੇਜਾ ਦੋ ਸਪਿਨਰਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵੇਂ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮੈਲਬਰਨ ਟੈਸਟ ਦੌਰਾਨ 8 ਵਿਕਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਰਡ ਫਲੂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੰਟਰੋਲ ਸੈੱਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਤੇਜ਼। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ 96.36% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਖਿਆ 1 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚੀ। ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਰਾਉਰਕੇਲਾ ਸਟੀਲ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਕੋਲਾ ਕੈਮੀਕਲ ਯੂਨਿਟ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਗੈਸ ਲੀਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ 4 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ 4 ਵਿੱਚੋਂ 3 ਸੁਧਾਰ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ। ਇੰਡੀਗੋ ਏਅਰਲਾਈਨ ਨੇ 5 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਪੁਣੇ ਵਿਚਾਲੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਉਡਾਣਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੜਕ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 5ਵੀਂ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਲਈ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ। ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤੀਕਸ਼ਣ ਸੂਦ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਟਰਾਲੀ ਭਰ ਕੇ ਗੋਹਾ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ। ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ SHO ਦੀ ਕੀਤੀ ਬਦਲੀ। ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਚਾਲੇ ਮੌਜੂਦਾ ਟੈਸਟ ਲੜੀ ਦਾ ਤੀਜਾ ਮੈਚ ਭਲਕੇ ਸਿਡਨੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਆਗਿਆ ਦਿਓ, ਧੰਨਵਾਦ।